आत्मैव जायते पुत्रः, संतान के रूप में व्यक्ति स्वयं ही अपना एक नया रूप जन्म लेता है। एक सिद्धांत है, अगर हमारी संतान बुरी है तो अक्सर हम दोष दे देते हैं समाज को, भाग्य को या भगवान को। अगर अच्छी है तो हम कहते हैं मैंने बहुत अच्छा काम किया। सच्चाई यह है कि हमें अपने संतान को अगर अच्छा बनाना है तो अपने आप उस दिशा में चलना होगा। मुझे, मेरा सौभाग्य है कि मुझे अच्छी संतान मिली, यानी मेरे कर्म कुछ अच्छी दिशा में थे और उन्होंने इस काम को अगर अच्छे से संभाला। मैं से जैसे लोग कह रहे हैं कि आपने इस काम को संभाला, काम नहीं बल्कि जीने की दशा को, जीने की दिशा को अच्छे से उन्होंने संभाला, तो इसका मूल कारण यही है कि मैंने उनको अधिकतम समय दिया, अपनी सारी गतिविधियों में बच्चों को साथ रहने का मौका दिया। हमें सोचते थे एक पति पत्नी के रूप में कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिस जो बच्चों से दूर रह करके हमें करना पड़े या बच्चों से छुप करके करना पड़े, तो इससे हमारा परिवार व्यसनों से बचा रहा और उसका परिणाम ये हुआ कि संतान को अच्छे से बढ़ने का मौका मिला और उन्होंने योग की दिशा को इतने अच्छे से पकड़ा कि जो बीज हमारे अंदर उगा हुआ था वो बीज का अंकुरण उनके भीतर भीतर भी हुआ और वो एक आज वट वृक्ष के रूप में होता हुआ जब दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है खाली बेटी नहीं बल्कि अनेक शिष्यों के रूप में भी आज, चाहे वो जर्मनी के अंदर बैठे काम कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठ कर काम कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका में बैठ कर काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठ कर काम कर रहे हैं या चाइना और जापान में बैठ कर काम कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि तो मेरी समृद्धि हो रही है और मैं एक अहम बहुश्याम का सही आनंद लेगा।